हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर प्रॉपर्टी बैंक। आज हम आपको लेके आए हैं कन्वर एवेन्यू, द ब्यूटीफुल गेटेड कॉलोनी, और इसमें हम देखेंगे एक शानदार विला। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एलिवेशन। एलिवेशन के बाद ये ग्रेनाइट फिनिश रैंप, शानदार साइड में ग्रीनरी और टाइल फिनिश एलिवेशन और स्टील एंड आयरन कोटेड जो यहाँ पे हमें मिलेगा। गेट पोर्च में भी ये बड़ा वाइड पोर्च है, फॉर्च्यूनर आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है ग्रेनाइट फिनिश, और एंट्रेंस करते हुए ही आपको एक मिलेगा छोटा सा जो वॉशरूम, कोई गेस्ट अगर बाहर से आता है तो उसको अगर यूज़ करना है तो वो बाहर के बाहर, या कपड़े वगैरह धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, ये आपको वॉशरूम जो काम में आएगा। और पोर्च में भी शानदार सीलिंग आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस पे ये जाली वाला दरवाजा, और ये वाओ शानदार जो है वो पॉलिश्ड डोर। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से लॉबी में, और लॉबी एंट्रेंस करते हुए बिल्कुल साथ में ही बड़ी सी वाइड किचन, और किचन में आप देखेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोलिक जो यहाँ पे पैन लगे हैं, और बिल्कुल अच्छा क्वालिटी स्टील मैका फिनिश, अंदर से इंडोर से भी जो है मैका फिनिश किया गया है, और यहाँ पे ये ग्रेनाइट की शानदार स्लैब बनी है, और ये वुड वर्क। मेरी आवाज में थोड़ी आपको इको आएगी क्योंकि घर अभी बिल्कुल खाली है, इसमें फर्नीचर जो है वो होने वाला है। और लॉबी में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वॉश बेसिन दिया गया है, और जैसे ही आप किचन से बाहर, यहाँ पे हम अपना जो है डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, बड़ा सा डाइनिंग टेबल, चाहे 8 चेयर का, 10 चेयर का आप लगा सकते हो, तो साथ में अगर आपको हैंड वॉश करनी है तो उसकी फैसिलिटी मिलती है।
और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो एलसीडी पैनल दिया गया है, यहाँ पे एलसीडी पैनल लगा सकते हैं। स्टेयर केस के बाद पहले हम चलेंगे यहाँ पे ड्राइंग रूम में। पूरे घर में जो है वो एसी का प्रोविजन दिया गया है। और ये देखिए बड़ा ड्राइंग रूम और शानदार जो है वो सीलिंग यहाँ पे। मैं आपको लाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ विद लाइट। वैसे घर की प्लानिंग इतनी अच्छी की है कि दिन में बिल्कुल कहीं भी किसी लाइट की जरूरत नहीं है। और ये देखें जितनी भी ग्रिल यूज की गई है घर में, जहाँ जहाँ भी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, सब स्टील फिनिश ग्रिल है। लोहे की अगर होती तो उसको रेस्ट रख सकता था या उसको हर एक साल बाद पेंट करना पड़ता, पर क्योंकि ये जो है ग्रिल बिल्कुल स्टील की यहाँ पे यूज की गई है तो सालों साल चलेगी। यहाँ से हम लॉबी से अब हम चलेंगे जो फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। आगे के जो दरवाजे हैं ये मैक्का फिनिश है यहाँ के। और ये जो फर्स्ट बेडरूम है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी आवाज़ में आपको इनको आएगी क्योंकि घर अभी पूरा खाली है। तो इसमें भी एलसीडी पैनल है। बड़ा रूम है, 12x12 फीट का। और इसके साथ ये ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जो है ड्रेसिंग रूम ये बना है। उसके बाद कवर दी गई है, इसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। और शानदार बड़ा अच्छा फिनिश जो है वो यहाँ पे बाथरूम। और आप चाहें तो इसको बंद करके, जैसे बेडरूम में अगर कोई बैठा है तो बंद करके इसको यहाँ सकते हैं आप इजीली जो है तैयार हो सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अब चलेंगे जो ग्राउंड फ्लोर पे सेकंड बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। उससे भी बड़ा 14x14 का बड़ा बेडरूम। और इसके साथ अब देखेंगे बहुत अच्छी ये कबर दी गई है। ये देखिए ये कबर। और इससे भी एलसीडी पैनल बना है। इसके साथ बाथरूम, बड़ा पेशी शानदार बाथरूम। और बाथरूम के साथ ये ढकन है, ढकन ऊपर से कवर है, इसलिए इसको भी आप यूज कर सकते हैं। Run free. And dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom is ours.
यहाँ से हम अब चलेंगे जो फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर केस देखें आप, ग्रेनाइट फिनिश स्टेयर केस है और पूरा जो है जो ग्रिल दी गई है वो वुड की दी गई है, यानी कि एक्सपेंसिव काम किया गया, खर्च जो अगर स्टील ग्रिल लाते तो यहाँ पे पैसा बच सकता था, तो बहुत ही अच्छी वुड की जो पॉलिश ग्रिल यहाँ पे दी गई है। और यहाँ से हम देखते हैं कि when the world is getting darker, I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder. First floor पे भी बिल्कुल सेम वैसे ही एक ड्राइंग रूम है, इसको आप एज ए गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। एसी की फिटिंग जैसे मैंने आपको बताया हर जगह पे है ही, और स्टील ग्रिल। और यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे भी वैसे ही बड़ी सी किचन, सेम एज इट इज किचन दी गई है और बिल्कुल वेल फिनिश जो किचन है, अच्छे से टाइल आप यहाँ से देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे टाइल लगाई गई है ताकि किचन में अगर आपको सफाई जो है करनी बहुत ईजी रहे, बहुत ही क्लीननेस रहे। और वैसे ही बिल्कुल नीचे की तरह ही यहाँ पे भी हैंड वॉश के लिए जो है वेंटी और वॉश बेसिन लगा है। यहाँ थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर जो पोर्च है, यहाँ पे नीचे पोर्च था और उसके ऊपर ये बड़ी अच्छी जगह हमें बड़ी अच्छी वाइड जगह मिलती है जहाँ पे हम धूप में बैठ सकते हैं, गर्मियों में छाँव में बैठ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टील की ग्रिल जो यहाँ पे सब जगह पे स्टील की ग्रिल जो यूज़ की गई है, तो यहाँ पे भी आप देखें बहुत ही अच्छा जो है वो डाउन सीलिंग किया गया है। और देखें जो किचन का चिमनी है उसको कितने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। The nightly waste, all we'd give up. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from believing. And let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts forever. और यहाँ से हम चलते हैं जो है फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। ये बहुत ही बड़ा सा और जिसको कह सकते हैं कि स्पेसी, एक बहुत ही खुला हुआ जो है घर है जिसमें स्पेस की आपको बहुत ही मतलब मज़ा आएगा। यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम जो है फर्स्ट फ्लोर का, उसमें भी बिल्कुल वैसे ही एलसीडी पैनल, यहाँ से वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहेगा और एसी तो जैसे मैंने आपको बताया दिया है। अब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जो ये ड्रेसिंग रूम है, ऐसे ड्रेसिंग रूम को आप क्लोज करके
ये ड्रेसिंग रूम क्लोज करके आप ऐसे तो आपने जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से ड्रेसिंग रूम दिया गया है और बिल्कुल अच्छा शानदार यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे भी वॉशरूम है राइट, वॉशरूम भी। What's left to lose if we run? और यहाँ से हम चलते हैं सेकंड बेडरूम। ये सेकंड बेडरूम में भी आप देखें बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पे एक बड़ी कबर्ड और बड़ी कबर्ड यहाँ पे है और ऊपर भी काफी स्पेस है। अगर कुछ सब चाहें तो ऊपर भी सामान रख सकते हैं। इसमें भी ऐसे एलसीडी पैनल, एसी की वायरिंग और यहाँ पे भी आप डक्ट को यूज कर सकते हैं। और शाम पे शानदार आप देखेंगे कि ये बाथरूम मेरे साथ ही आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाथरूम जो है ब्रांडेड टाइल यूज करके बनाया गया है। वेरी ब्यूटीफुल। और फिर हम यहाँ से देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ग्रिल बिल्कुल लकड़ी यूज करके पेंसिल ग्रिल जो है लकड़ी की बनाई गई है और इसके ऊपर भी कुछ स्टोर्स बाथरूम बनाए गए हैं, वो मैं आपको अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी बिल्कुल वही लकड़ी की ग्रिल और ग्रेनाइट जो है स्टेयर केस पे यूज किया गया है। और ये देखें यहाँ से हम ये यहाँ पे टेरेस पे आ गए, टेरेस भी देखेंगे साथ साथ। और टेरेस पे भी वही सीट ग्रिल और ये बड़ा सा टेरेस, छोटा मोटा फंक्शन ही आप यहाँ पे अपने घर पे बड़ा इजीली फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। और स्पेस की जैसे मैंने बताया आपको, इस घर में स्पेस की कोई कमी नहीं है। ऊपर भी एक ये शोरूम दिया गया है, बड़ा स्टोर रूम है ये, काफी स्पेसी। और यहाँ पे आप देखते हैं कि साथ में एक वॉशरूम भी है। ये वॉशरूम भी आप देखें बिल्कुल फिनिश रेडी टू यूज है। ये वॉशरूम है बड़ा, ये भी अच्छे तरीके से जो वॉशरूम तैयार किया गया है। कैसा लगा आपको हमारा आज का रिव्यू इस कोठी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी जो कंपनी है योर प्रॉपर्टी बैंक आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फील फ्री आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। Join forces.